हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग जो भी जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, आप सब बहुत अच्छे हो। सो, अभी सुबह का टाइम है और सुबह से ही ब्लॉग को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, कल रात को ही ना मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख दिया था, तो यहाँ पे फूल गोभी और कैप्सिकम मैंने काट के रखा था। तो आज सुबह प्लान है कि ये सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब हल्का सा भाजी टाइप बनाऊँगी इसका, और साथ में रोटी बनाऊँगी। तो ये ब्रेकफास्ट में बनेगा, तो मनोजीत को टिफ़िन में भी यही दे दूँगी। एक्चुअली ना दिमाग में ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ सुबह उठ के। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल पे थोड़ा सा कलौंजी डाला है और उसके बाद मैं ये कटे हुए सब्ज़ी डाल दी। तो दो ही जस्ट सब्ज़ी है यहाँ पे, फूल गोभी और कैप्सिकम बस। और उसके बाद हल्दी और नमक डालूंगी और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, बस हल्का सा मिक्स करके और ढक के फ्राई करूंगी अच्छे से। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहो तो थोड़ा सा आलू भी इसमें काट के डाल सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया लगता है और रोटी के साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मिक्स कर दिया और इसको अभी ढक के छोड़ दूँगी। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है, तो अभी जल्दी जल्दी से रोटियां बेलूंगी क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है। सुबह 6:30 बजे मैं उठी आज और 7:30 बजे मनोजीत निकल जाएगा, तो आप समझ ही सकते हो काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम। और मैं ना बहुत फास्ट फास्ट काम कर भी नहीं पाती हूँ। सबका मुझे लगता है अलग अलग काम करने का तरीका होता है। मैं थोड़ा स्लो स्लो काम करती हूँ, मतलब स्लो मतलब क्या, आराम से सब कुछ, आराम से साफ़ सफाई के साथ। मैं बहुत हड़बड़ी में काम मेरे से होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा हाथ में टाइम रख के ही चलती हूँ ताकि उस टाइम के अंदर सब कुछ मैनेज भी हो जाए। तो अभी सब ब्रेकफास्ट बन गया है और चाय भी मैंने चढ़ा दिया है। तो इधर अभी मैं मनोजीत का टिफ़िन पैक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो भाजी मैंने बनाया था वो एक टिफ़िन में मैंने डाल दिया है और साथ में दूसरे में जो पराठा मैंने सेका है उसको डाल दूँगी। तो मैं ना नीचे एक टिशू पेपर डाल देती हूँ ताकि जो पराठा है वो सॉगी ना हो जाए। तो उसके ऊपर मैं ये पराठा ऐसे फोल्ड करके रख रही हूँ और बस पैक हो गया इसका टिफ़िन। और एक रोटी, थोड़ा सा भाजी और एक कप चाय, ये मैं अभी मनोजीत को दे दूंगी, वो थोड़ा सा खा के निकल जाएगा। हे एवरीवन, मनोजीत तो चला गया ऑफिस, तो काफी टाइम हो गया है, करीब 1 घंटा होगा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत और काम था, वो सब कर रही थी। अभी मैं भी मेरा ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। अभी 9 नहीं बजा है लेकिन बजने को है, तो भूख लग रहा है। काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ ना, 6:30 बजे, तो इतने टाइम तक भूख लग ही जाता है। तो अभी मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, कुछ कुछ काम है तो वो करना है, और उसके बाद आके दोपहर का खाना वाना भी बनाना है। तो बाहर भी कभी कभी बारिश हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। बारिश के चलते ना निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन वैसे तो बारिश रहे तो ही अच्छा है, वेदर अच्छा रहता है। तो अभी देखती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, बहुत भूख लग रहा है आज। तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद नेक्स्ट जो भी काम होगा एक एक करके करूँगी। अभी 11 बज रहा है और मैं आई हूँ किचन में। अभी लंच तो बनाना पड़ेगा, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपल सा दाल भाजी करूँगी और एक करी है तो हो जाएगा मुझे लग रहा है। और देखती हूँ अगर कुछ करी वरी बनाया तो, मतलब मन नहीं कर रहा है आज उतना कुछ। थोड़ा सब्जी है फ्रिज में, तो शायद से हो जाएगा मेरा, रात में देखा जाएगा, कुछ बनाऊँगी तो बनाऊँगी। और अगर मूड हुआ, अच्छा लगा तो बना लूँगी, मन नहीं कर रहा है आज खाना वाना ज़्यादा बनाने का। यहाँ पे ना मैंने दाल को मिक्स किया है, मसूर की दाल, तूर दाल और मूंग की दाल मैंने लिया है।
चने का दाल भी है घर पे, पर वो पहले से भिगोया हुआ नहीं है ना, तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो मैं ये मिक्स दाल ना अभी बॉयल करके फिर सोच रही हूँ थोड़ा दाल फ्राई करूँगी। दाल फ्राई अच्छे से बने ना तो उसी से खाना हो जाता है, तो वही मैं अभी बनाऊँगी। थोड़ा सा ना मसूर की दाल भी मैंने भिगो के रखा था। मनोजीत को ना दाल को पीस के फिर उसका पकोड़ा बना के उसका जो करी होता है ना वो खाने का मन है, तो देखती हूँ पहले दाल फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद अगर अच्छा लगा तो उसको ग्राइंड करके जल्दी से बना दूंगी। क्योंकि उसको मन कर रहा है तो सोच रही हूँ एक बार बना ही लेती हूँ, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी पहले दाल बनाऊंगी और दाल के साथ कुछ एक भाजी मैं अभी दोपहर के लिए कर लूंगी, और बाद में वो आएगा तो रात में उसके लिए गर्मा गर्म कोई भी भाजी फिर से बना के दे दूंगी। तो बैंगन है, सोच रही हूँ बैंगन भाजी कर लूंगी। कभी कभी ना मन करता है कि बिल्कुल एक दिन अगर छुट्टी मिल जाता कि कोई भी खाना वाना बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आराम करो, उठ के जाओ, खाना वाना रेडी है, खा लो, वैसा होता। लेकिन अकेले के घर में तो वैसा होता नहीं है, हम लोगों को काम करना ही पड़ता है, मन करे या ना करे खाना बनाना ही पड़ेगा, या फिर ऑर्डर करके खा सकते हैं। लेकिन ये सब ना ऑर्डर करके वही रिच वगैरह खाना आता है ना, तेल मसाला ज़्यादा करके, वो सब अच्छा नहीं लगता। और एक वक्त खाने के बाद सेकंड लंच में खा लो तो डिनर में खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो उससे अच्छा तो घर का दाल चावल ही बेस्ट है। हे एवरीवन, अभी दोपहर का टाइम है और मैं ये देखिए इधर टीवी देख रही हूँ और खाना भी अभी खा लूँगी क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, 2:30 बजने को ही है, आप देख सकते हो, तो भूख भी लग रहा है। तो काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया, मैं सारा काम करके नहा के आ गई, तो पूजा वूजा भी कर लिया था, तो अभी लंच करूँगी और दिखाती हूँ आज लंच में क्या क्या है। राइस तो है ही, दाल फ्राई है, साथ में यहाँ पे दाल को पीस के पकौड़ा बना के उसका वेज करी बनाया, ये पूरा प्लेन वेज बनता है, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला, और दाल के साथ खाने के लिए बैंगन भाजी किया है। क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी इसलिए ऐसे सजाया है मैंने थाली को, और देखने में अच्छा लग रहा है ना, ऐसे सजा के कोई दे तो खाने में अच्छा ही लगता है। तो चलिए अभी जल्दी से मैं लंच कर लेती हूँ। तो चलिए लंच करते करते ही मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, यहीं तक आज का ब्लॉग रखती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।